और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की भी, जो खुद हाथों में पोछा लेकर सफाई करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे, जहां उन्होंने कालाराम मंदिर में साफ सफाई की और फिर वो पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया गया है। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से देश के तीर्थ स्थानों और मंदिरों की साफ सफाई का अभियान चलाने की भी अपील की। खुद सबसे पहले पीएम ने मंदिर परिसर में बाल्टी और पोछा लेकर सफाई की। माना जाता है कि पंचवटी में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास का समय बिताया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोनपुर में रात में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मेडिकल जांच और दवाओं समेत दूसरी सुविधाओं का जायजा लिया, साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी को लेकर भी जानकारी जुटाई। अपने निरीक्षण में डिप्टी सीएम ने जरूरी निर्देश भी दिए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कार की छत पर पटाखों से आतिशबाजी करने का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कार को सीज कर लिया। दरअसल ये मार्केट के पास चलती कार से आतिशबाजी कर रहे थे। ऐसे में किसी ने इसका वीडियो अपने फोन से बना लिया, फिर तुरंत ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई कर इस कार को जब्त कर लिया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यूपी की सरकारी बसों में राम भजन सुनाए जा रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी लखनऊ से अयोध्या तक एक ऐसी ही बस में सफर किया। ये भजन खासतौर पर अयोध्या जाने वाली बसों में बजाए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री के मुताबिक ऐसा कर रामनगरी जाने वाले भक्तों को तीर्थ की अनुभूति करवाई जा रही है। मैं कहूँ कि सार्थकता जीवन की हो गई कि 500 वर्षों से जिसके लिए कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, उनके जीवन में ये ऐसे शुभ दिन देखने को नहीं मिला। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है।